अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जाती है। दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत एक एड कैंपेन से हुई थी। अब विराट कोहली ने इस बारे में बताया है कि शुरुआत में अनुष्का शर्मा की हाइट को लेकर वो कितने नर्वस थे और वहीं अनुष्का शर्मा बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। अब दोनों ने 2017 में शादी कर ली है। आपको बता दें कि जब दोनों पहली बार मिले थे तब दोनों के लिए ये बहुत ही विचित्र परिस्थिति थी। एक अमेरिकन टेलीविजन को दिए इंटरव्यू में विराट कोहली ने 2019 में बताया था कि जब वो अनुष्का शर्मा से पहली बार एक एड शूट के लिए मिले थे तो वो कितने ज़्यादा नर्वस थे। इसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि उनकी हाइट अनुष्का शर्मा के मुकाबले कम है और उन्होंने अनुष्का शर्मा की टीम से कहा कि उन्हें हाई हील नहीं पहनना चाहिए। इसके बाद अनुष्का शर्मा ने ये बात मानी और उन्होंने बिना हील की जूती पहन ली। हालांकि इसके बाद भी विराट की नर्वसनेस कम नहीं हुई क्योंकि तब भी अनुष्का विराट से लंबी ही नजर आ रही थी। तब विराट कोहली ने मजाकिया जोक भी मारा था। जी हाँ, इस बारे में बताते हुए विराट कोहली ने कहा कि जब मैं पहली बार अनुष्का शर्मा से मिला तब मैंने एक मजाक कर दिया था। मैं बहुत नर्वस था और मुझे पता नहीं था कि क्या करना है, इसलिए मैंने एक जोक मार दिया। मैं सेट पर खड़ा था, बहुत ज़्यादा नर्वस और बेचैन था मुझे लगता है। इसके चलते मैं उस समय मजाक के मूड में था और मुझे ऐसा कुछ कहना नहीं चाहिए था। अनुष्का मुझसे बहुत लंबी हैं और वो हील पहने हुए थी और मुझे लगा कि उन्हें बताना चाहिए कि मैं इतना लंबा नहीं हूँ, मैं 6 फीट या उससे ज़्यादा नहीं हूँ। जी हाँ, आपको बता दें कि इस बारे में आगे बताते हुए विराट ने कहा कि जब वो कमरे में आई तो वो मुझसे ज़्यादा लंबी थी, उन्होंने हील पहन रखी थी, तो मैंने कहा कि तुम्हें इससे और ऊँची हील नहीं मिली। तब उन्होंने मुझसे कहा एक्सक्यूज मी, तब मैंने उन्हें कहा कि अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरा मजाक मुझ पर ही भारी पड़ गया। दरअसल वो इतनी आत्मविश्वास से भरी हुई थी कि मैं बेचैन महसूस करने लगा था। अब अनुष्का और विराट ने इटली में शादी की। आपको बता दें कि अनुष्का और विराट को हाल ही में एक लड़की हुई है जिसका नाम उन्होंने वामिका रखा है। आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से सुरभि की रिपोर्ट।